गेम के जरिए, नेट के जरिए, आप किस तरह देखते हैं? भाई देखिए, मैं तो इसमें कोई बिलीव करता नहीं, इसलिए कि इस किस्म के ड्रामेबाजी जो है ये सब खुद ही कराते हैं, और कराने के बाद में मुसलमानों के नाम में कर देते हैं वो। ये कोई ना कोई कर रहा है ना कोई कर सकता है इस तरीके देश के अंदर। भाई कोई धर्म परिवर्तन है, कोई करना चाहता है तो खुलेआम, ना किसी को भी कोई पाबंदी थोड़ा ही है जी। ले इस तरीके से मतलब ये कि घेरा घारी करके और अपने हालात पर पर्दा डालने के लिए जो कुछ भी उनकी कमियां हैं, इन्होंने देश के लिए तो कुछ किया नहीं है, समझ गए ना। देश बिल्कुल भूखा मर रहा, और देश के अंदर लोग बिल्कुल खुश नहीं है इनके रवैये से, इनसे अमल से। ये बातें कहकर ये हिंदू मुस्लिम मसले लाकर वो ये चाहते हैं कि भाई मुल्क के अंदर पोलराइजेशन हो जाए, उनका नफरत फैला रखी है पोलराइजेशन करके, और इलेक्शन जीतने की ताक में है। लेकिन ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह। इलेक्शन ये हार रहे हैं, और ये इनको दिखाई दे रहा है कि इनकी ये बातें जो फर्जी बातें जो करते हैं, ये फर्जी बातें हकीकत को मिटा नहीं सकती। सच्चाई ये है कि यहाँ पर जो मुल्क में ये जो गिरावट आई है, तरक्की है रुक गई सारी, तो क्यों रुक गई? कि इसमें ये इंसाफ नहीं कर रहे। जब इंसाफ नहीं करेंगे और नफरत फैलाएंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा? बक्सा भी एक बयान और था